उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में मनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा मणिपुर के निवासी ने जिलाधिकारी से जमीनी मामले में न्याय की लगाई गुहार। आत्महत्या की दी चेतावनी। मणिपुर गांव में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सभी आरोप बेबुनियाद है। प्राइम न्यूज शनी के लिए सुरेंद्र कुमार गुप्ता, बलिया, उत्तर प्रदेश। नाम विपिन कुमार मिश्रा, ग्राम बिशनपुरा का रहने वाला हूँ। क्या मामला चेतावनी दिया है? वो गलत चेतावनी दिया है। वो अगर जमीन लिया है तो उसको मिलना ही मिलना है। वो नेपाल बुलाए और न पवाए, क्योंकि खटाबात नहीं हुआ है। उसमें मेरा भी जमीन है, मैं भी कब्जा उसमें नहीं हूँ, ना मुझे भी कब्जा मिल रहा है। वो जब नेपाल बुलाएगा, खटाबात होगा, न पवाएगा, तो उसका भी हक मिलेगा, मेरा भी हक मिलेगा। वो कभी यहाँ खुटा गा रहा है, कभी वहां खुटा गा रहा है, कह रहे जब मैं यहाँ पर लूंगा, मैं वहां पर लूंगा। मैं देने वाला कौन हूँ? नेपाल को बुलाए, नाप करवाए, खटाबात करवाए, वो ले ले, मुझे उसे कोई नहीं है। ये सिर्फ दबंगई बतिया रहा है और यहाँ पर दबंगई कर रहा है और वहाँ पर जाकर के वो भोलापन का नाटक कर रहा है। एक उन्होंने आरोप लगाया है आपके गांव के प्रधान जी पर, ये आरोप लगाए हैं। हाँ। वो दबंगई के बल पर उनकी जमीन कब्जा कर रहे हैं। हाँ। तो सीधा सीधा आरोप वहाँ ग्राम प्रधान पर लगाए हैं। उनका इसमें कोई रोल नहीं है। वो उनको बदनाम करने के लिए वो सब कुछ नाटक रच रहा है। राजनीतिक सब इसमें साजिश है और कुछ नहीं है। प्रधान जी का इसमें कोई रोल नहीं है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। जो मेटर है वो मेरे साथ है और किसी का साथ नहीं है। और लोग उसमें जो सहखरदार है वो लोग का है, वो लोग भी कह रहा है कि मुझे वही चाहिए, वो भी कह रहा है कि मुझे वही चाहिए। तो नेपाल आएगा, वो बांटेगा, उसके बाद किसी का होगा। हम देने वाले कौन है? हमारा भी वहां पर कब्जा नहीं है। ऐसा तो नहीं है हमारा वहां पर पड़ती है। वो बटवा ले, उसके बाद ले ले, नेपाल बुलाए बुलाए और ले ले, मुझे उसे कोई एताज नहीं है जी। तो मतलब जो हाँ बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहा है। नेपाल को बुला करके खटाबात करवा ले, नपवा ले, जखवा ले, उसके बाद वो ले ले। कोई कब्जा नहीं, कोई अभी तक किसी का कब्जा वहां पर नहीं है।